industry. What people say? It is a scam. It is a chain. Scam है जी ये. Chain है जी ये. हाँ chain है. किसी chain में बंद गए. 1 crore रुपए मिल ना था तो बांधने को भी माना. 4 बांधे मरे गए. क्या काम चेन नहीं है बताओ आप. ये पानी की बोतल है. अगर चेन ना होती ये पानी की बोतल यहां ना होती. ये मोबाइल है. अगर चेन ना होती ये मोबाइल मेरे पास ना होता. ये होटल जो है होलीडे इन, इनकी चेन है तभी हम इंजॉय कर पा रहे हैं. और जो चेन बनाता है वो अमीर बनता है, जो चेन नहीं बनाता वो एवरेज लाइफ जी के चला जाता है दुनिया में. छोटा मोची मोची बड़ा मोची बाटा. हाँ जी छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार टाटा. ठीक है ना जी. कबाड़ी का काम करते हैं लोग. जो कबाड़ी का काम ऑनलाइन करते हैं ओलेक्स, तो चेन बना के ही अगर कामयाब हुआ जा सकता है इस लाइफ में. और चेन बनाने के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल है और एक डीएसआई है. ट्रेडिशनल में करोड़ों रुपया लगता है जो हमारे पास नहीं है. दूसरा ऑप्शन है डीएसआई. वो डीएसआई इंडस्ट्री के अंदर आपको. इट इज फॉर दूज हु हैव नथिंग टू डू. ये उन लोगों के लिए है, निकलों के लिए जिनके पास कोई काम नहीं होता. हमने तो 60,000 ही छोड़ी है भाई इसके लिए. बहुत से लोग हैं. करम सिंह जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, नवनीत जी गए अभी यहां से, उधर सेशन है उनका. जितने भी लोग हैं आपको लगता है कोई निठल्ला था. निठल्ले क्यों बोलते हैं इस काम के अंदर. आज भी हमारे को निठल्ले बोलते हैं. हम तो बेले हैं भाई. बेले रहकर 1.5 लाख आ रहे हो तो भी ले लेना. हम बेले इसलिए हैं क्योंकि हमने काम ही बेले रहने का किया है. हमने वर्किंग हवर पे काम किया है, मनी के ऊपर काम नहीं किया. और जो काम समय के ऊपर करता है वो जिंदगी में बेला ही रहता है. और जो पैसे के ऊपर काम करता है वो जिंदगी में कभी बेला नहीं रहता. उसको रात को नींद भी नहीं आती. बीपी शुगर और नींद की गोलियां खा के सोता है. इट इज ए पोंजी स्कीम. पोंजी स्कीम होती है जी, कुछ ही टाइम लगता है सिकुड़ के साइड में हो जाती है. डीएसआई और नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. ये पोंजी स्कीम्स क्या होती है, लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझ लेते हैं सभी को. मोबाइल्स की कितनी कंपनियां हैं जी. एप्पल अलग है, सैमसंग अलग है, वन प्लस अलग है, सारी कंपनीज अलग अलग है जी. लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी आएगी सबको सेम समझ लेते हैं लोग. और वो लोगों के साथ धोखा करके चली जाती हैं. अभी एक बहुत बड़ी कंपनी गई है मार्केट से. ये भी ऐसे ही सुनते हैं क्या, सो रहे थे फिर ऐसे ही सुनते हैं. नहीं ऐसे ही रहते हैं. मंजर ही और बज रहा हूं मैं भी ऐसे ही समझाता हूं. यू ना डराओ बाबा का नाम जो हुआ. एक कंपनी गई है मार्केट से जो बिना किए पैसे देती थी. लोगों को बड़ा सवाल आता है बिना किए. कहीं तो हमारे से भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें काम करना पड़ेगा जी. बिना काम करे कुछ ना होता भाई, करना पड़ेगा फिर तो नहीं. कोई ऐसा काम बताओ जिसमें काम ना करना पड़े. मखाओ तो एक ही काम चलता है अभी मार्केट में. वो कहां जी, जब चार भाई इतना टेक देंगे बड़ी ले जी. वहां बिना किए सब कुछ आता है. अगर इस दुनिया में रहना है तो यहां बिना किए कुछ नहीं आता, करना पड़ेगा. लेकिन लोग इसको बराबर सोच लेते हैं. इट्स ए साइड बिजनेस. ये तो साइड बिजनेस है जी. हाँ कुछ टाइम के लिए साइड बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये साइड वाला बिजनेस आपके रोड वाले बिजनेस पे भी भारी पड़ जाएगा एक दिन.
मैं 60,000 रुपए महीना कमाता था आज से 5.5 साल पहले। पिछले वीक की इनकम मेरी 57,000 है एक हफ्ते की, एक हफ्ते की इनकम 57,000 है। और 5 साल पहले मैं 60,000 रुपए महीना कमाता था, उससे 5 साल पहले मैं 2437 रुपए महीना कमाता था, आज पर डे की इनकम मेरी 6-7 हजार के लगभग है। कहां गया जी साइड बिजनेस? ये आता तो साइड से है, लेकिन जो रोड वाला बिजनेस होता है उसको किस स्पीड से पीछे छोड़ता है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इट गिव्स ओनली सम एक्स्ट्रा इनकम, ये थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है, हाँ थोड़ा सा ही आ जाए 1 करोड़, बात तो ठीक है जी, चल थोड़ा सा ही दे दे, तेरे को दिक्कत क्या है? तेरे काम के साथ साथ तेरे को 4 पैसे और आ जाए तो घर का खर्चा निकल जाएगा, इट विल फोल्ड अप सून, जल्दी ही इकट्ठा हो जाता है जी। 5.5 साल तो मान लो इकट्ठा नहीं है, बढ़ता जा रहा है। बाहर 50-50, 60-60, 70-70 साल से ये काम चला हुआ है, वहां तो गोल्ड नहीं हुआ है। एक बार शानदार तालियां डॉक्टर प्रमोद महाजन जी हमारे सीटीसी हमारे सिखाने के लिए। फायदा उठाया और बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, और देखिए यू हैव बीन डब्ड, डूब जाएगा तू भाई। अच्छा मैंने एक बात बताओ, बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं कहते हैं जी मेरा तो जी जाए इसमें लाखों का नुकसान हो गया, रतन 15,000 का तो सामान लिया, पेस्ट साबुन ये वो लेके लाखों का कैसे आ गया वो नहीं समझ में आता। कड़ी नहीं जानते, हमने 12 लाख का लिया था, अरे किसी वजह सीट एंड बर्न फैट भी मांगना पड़ता है क्योंकि पीछे से कई बार स्टॉक नहीं आता, वो 12 लाख का भी 1.5 साल नहीं टिका, इतनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, बंदा 15,000 का लगा के और डूब जाएंगे जी, डूब जाएंगे बकवा दे मर जूंगा जी, पता नहीं यार क्या है। बहुत से लोग कहते हैं मर जाएगा तो उजड़ जाएगा इसमें, उजड़ेगा वही जो सिस्टम से काम नहीं करेगा। लोग अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं बहुत से लोगों का, तू कुछ ना करिए मैं बैठा तेरा भाई बैठा मैं चलाऊंगा तेरा काम, ला दे पैसे मेरे पास नहीं है मैं ले रहा तेरे राजा भाई, कभी ना करना इस काम में। फंडिंग और डिस्काउंटिंग जहर है इस काम के लिए। 1900 का आपको मिला है, 2500 एमआरपी है, 2500 का ही देना है, 2499 का भी नहीं देना। फंडिंग नहीं करनी किसी की, मेरा जिगरी दोस्त है जी जान भी दे देते हैं हम एक दूसरे के लिए, जान दे दियो भाई पैसे ना लगाइए। बिजनेस मैन और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आदमी के ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च दो, बिजनेस के ऊपर ना खर्चना उसके 1 रुपया भी। जितने भी बिजनेसमैन हैं रिलेशन और बिजनेस को हमेशा अलग रखते हैं। जो मारवाड़ी बनी है उनसे पूछ के देखना, परिवार बाद में आता है पहले कारोबार आता है। मारो धंधो बिजनेस को मारो धंधो बोलते हैं वो, उनका धंधा नंबर 1 पे है, परिवार बाद में है। ऐसे काम का क्या फायदा जी परिवारों बाद में हो, है कि नहीं? ये भी आता है हमें, वो परिवार उसी धंधे के कारण चलता है। तो कभी नहीं करना ये डिस्काउंटिंग। और बहुत से लोग कहते हैं रब बुलाया तो बुलाया, बोलते हैं ना ये लिखा हुआ है बला 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 बला, बुलाया तो खा जाएगी, डरा रखे लोग जाके, भाई साहब ये हो आप ना भाई साहब मैं तो नहीं हूं, मैं देते हैं ना घोड़ा मार दिया, गुप्ता जी ये हो आप, गुप्ता जी डर गए मैं कहां आई मैं नहीं हूं जी, भले भाई नहीं आवा काले कोट वाले
मैं तो लाल समा लिया इसी करके। डरे पड़े लोग इनसे, किसी के हाथ में फाइल देख लिया गया बस जो इससे भाई मोटिवेट कर देगा। मोटिवेट होने से डरते हैं लोग। ये पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सपने देखने से डरते हैं लोग। बलैन से दूर रही हो भाई, ये बोलते हैं लोग। और कौन लोग होते हैं ये? ये आपके मां बाप। अरे बेटे तेरा तो कोई भी बावड़ा बना लेगा ना, नहीं चले करते मेरे पुत का। वरुण जी गए प्रोग्राम देख के पूरे मोटिवेशन में, डैडी अब देखना आपका बेटा क्या क्या करेगा। बाप भी देखा कल तक तो इसका पेंचर हो रहा था, आज क्यों हो गया, क्यों ये बात होगी। कहता जी मैं एक जगह गया था, बस सिग्नल ऑन, मीटिंग थी कोई, इनके फादर साहब बोले। कहता हाँ जी, कोर्ट वाले थे वहां, हाँ जी, यूं कह रहे थे हमने पैसे कमाए इतने इतने, हाँ जी। वरुण जी भी जोश में, अच्छा फादर साहब भी वही थे, दोनों मिल के करेंगे। कहता डैडी आप वहां थे? कहता ना जी। फिर आपको कैसे पता? मैंने किया था जी, तू ना कर लियो। ये अपने होते हैं, उनका बैड एक्सपीरियंस होता है लाइफ में या सुना होता है, वो रोकते हैं। आपके दोस्त रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? अच्छा दोस्त सोचा है कभी, अगर इसने शुरू कर लिया नंबर तेरा ही आना अगला। और जाएगा काम बंदा, चार तो उसके राम श्याम गोपाल हैं जिनके साथ श्याम को लवली लवली चलता है। पंगा था ये नाम का हो जाना, इसे ना रोक लो, पूरा जोर लगाते हैं। लगाया ना वर्मा जी, पूरा जोर लगाते हैं जी छुटवाने का। जद नहीं चलती फिर तो नेबरर्स पड़ोसी, ये पड़ोसी तो मकान बनाते हुए नहीं दिखते भाई। और ठीक नहीं है तेरा, राहुल जी मकान बना रहे हैं अंसल में, इनके पास पांच छह लोग आते ही आते हैं वहां, भाई साहब यूं बता दो बना क्या रहे हो, क्योंकि क्यों पूछ रहे हो? उन्हें बेचारा ना न्यू नहीं बताने ना मिल रहा, चाचा किन्ने कर लो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है बना क्या दिया। पीछे से जाएगा देखा फिर गोल, आगे से देखा फिर गोल, बना क्या रहे यार तुम। सतेंद्र जी कल बातचीत कर रहे थे, कोई लेडीज आए उनके घर पे, सासू और बहू दोनों, भाभी जी को आके बोले ये बो हाँ अच्छा एक बार क्यों बता दे था ना इस घर में सामान कड़े ना बाड़िया, मारा तीन महीने हो गया टेंशन हो रही, मेरी बहू भी बार बार पूछा ए बेबे इन्हें सामान कड़े ना बाड़िया होगा इस मकान में, है भी थारा समान अंदर, दरवाजा ही नहीं नजर आता मकान में कहीं। फिर अंदर गए हो, फिर बताया जी ये तो इसमें ना ये वाली विंडो लगी हुई है, सारी दीवार खुल जाती है, यहाँ को सामान गया। अच्छा हम भी नक्शा कर लेंगे थारे वाला, ठीक है ना जी। तो ये होता है नेबरर्स, इसमें कड़े छोड़ देंगे नेबर, जहां दो चार दिन आप अपना टाइट टू इसी लाई देख लिया ना, फंस गया दिखा, फंस गया टोकेंगे। ऐसा नहीं मैंने किताब में पढ़े आयो, पूरी अंगड़ियां लगी बीमारी। फेलियर्स, बहुत से लोग गलत तरीके से काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और वो कामयाब नहीं होते, वो आपको भी फिर कहते हैं तो भी नहीं होएगा। बहुत से बड़े बड़े पंडित आते हैं इस काम के अंदर, तुम कामयाब नहीं हो सकता इस काम के अंदर। मेरे को भी एक पंडित मिला था आज से पांच साल पहले, मेरे मौसा जी, अपना वह नौकरी सी कर ले जाएगा कि ये काम में पड़ गया। मगर मौसा कहा मखा आपका सी किले हैं, मैंने सी खरीदने हैं, नौकरी तो नहीं खरीदे जाते, या तो मेरे अस्सी नाम करवा दो, मैं तो आज छोड़ दू, आधा नहीं करवा सकता किला नहीं कनाड़, तो मेरे सपने हैं भाई मैंने करने हैं पूरे।
कोलीग्स आपके आसपास के लोग, हाँ भी करोड़पति जिदा आप कहोगे मैं करोड़ कमाऊंगा, हाँ जब कमा लेगा दो चार लाख बना के दिए, बहुत से लोग मिलेंगे, क्राउड भीड़ हंसेगी आपके ऊपर, हंसेगी मजाक उड़ाएगी आपका, पागल बोलेगी आपको, और जब पागल बोलना स्टार्ट करते तो समझ लो सही रास्ते पे चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो। Whom should we listen to? हमें किसको सुनना चाहिए? Anybody और एक्सपर्ट को? सुनते किसको हैं? देखते जाएंगे प्रोग्राम, मोटिवेशन में रहेंगे, सलाह किससे करेंगे जिसको कुछ नहीं पता? करोड़ों रुपया कमाना है जी, कौन सलाह दे रहा है आपको जो करोड़ों रुपया कमा चुका है या लाखों रुपया कमा चुका है इस इंडस्ट्री से? और हम सलाह लेना पसंद किससे करते हैं जिसको चुमन्नी नहीं आई इस इंडस्ट्री से? दांत में दर्द है आपके पास, लोहार पे जाओगे या डॉक्टर पे? और आजकल तो यहां भी जुगाड़ोगे, शरीर ही बांट दिया, दांत का अलग, आंख का अलग, हार्ट का अलग, शुक्र का अलग, घुटनों का अलग, फेफड़े का अलग, दिल का अलग, कान का अलग, कितनी बड़ा स्कैंडल है ये सोच के देखिए आप। हार्ट क्या बॉडी से अलग है? किडनी बॉडी से अलग है क्या? डॉक्टर का फोकस कहां है हार्ट को ठीक करने में? हार्ट को ठीक करते करते बंदे की किडनियां फेल हो जाती हैं। इलाज चल रहा था किडनी का, हार्ट फेलियर हो गया। शुगर अब कंट्रोल नहीं होती, बंदा मर जाता है। पहले शरीर एक होता था, डॉक्टर एक होता था, नब्ज देख के बता देता था प्रॉब्लम कहां पे है, और सारी बॉडी को ध्यान में रखे वो मेडिसिन देता था। आज के डॉक्टर सिर्फ एक पार्ट को देख के ही मेडिसिन देते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी नजर नहीं आता उनको। एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। अब आप देख लेना एक्सपर्ट कौन सा डॉक्टर है, और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट कौन है? ये वी क्रिएट मिलेनियर्स, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जी, डोनाल्ड ट्रंप जी, ये बड़े बड़े दिग्गज ये हैं इस इंडस्ट्री के, जिन्होंने बुक्स लिखी हुई है, बहुत से सेमिनार्स करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये अरबों खरबों रुपया कमाने का कारोबार है। इनकी एक बुक है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, दोनों ने पार्टनरशिप में लिखी है, उसके अंदर इन्होंने एक्सपोजर बताया हुआ है, अपना जिंदगी का तजुर्बा बताया हुआ है, वो कारण बताए हैं जिन कारणों के कारण ये कामयाब हुए, और इस इंडस्ट्री की सच्चाई बताई है। हमें इनकी माननी चाहिए या उन चार लोगों की माननी चाहिए जिनको ये भी नहीं पता कि डी का मतलब क्या होता है? हां जी, किसकी माननी चाहिए? तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इनकी बुक्स पढ़ो। ये फॉर्च्यून एक ग्लोबल बिजनेस मैगजीन आती है, ये उसके मालिक हैं पॉल जेन पिल्जर, अपने टापू तो खरीद रखे हैं इस व्यक्ति ने डीएसआई से, पर्सनल टापू। यहां तो बंदा एक मोटरसाइकिल लिया हुआ, उसी में नहीं पता के क्या बन गया, वो मित्रा का नाम चलता है ना, फॉर्च्यूनर जाके खोल के गड्डी दी, डिग्गी पता नहीं कौन सा गाना हो ला के तीन पैक बल्ली है। हाँ जी, पूरे टापू खरीद रखे हैं पर्सनल जेट है इनके पास डीएसआई से, ये हैं स्पेशलिस्ट, इनकी बुक्स है वो पढ़ा करो। वॉरेन बफे जी, बिल क्लिंटन जी, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ये क्या बोलते हैं इनके वीडियो से वो देखा करो। डोनाल्ड ट्रंप जी जो आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति।